हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 अप्रैल 2018 को होने वाली ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये जेहाद के सऊदी अरेबिया में होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से वो नाम हैं जो इस बैटल रॉयल में दिखने वाले हैं। वैसे WWE इस बात पे सोच रही है कि इस बैटल रॉयल रंबल को टीवी पे दिखाया जाए या नहीं। वैसे आपको बता दूं, ये जहां होने वाली है वहां ऑडियंस कैपेसिटी 62,000 करीब 62,000 लोगों के बैठने की फैसिलिटी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे नामों की जो सामने आए हैं और जो हिस्सा लेने वाले हैं इस ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। वैसे ये बात तो तय है कि 50 मैन बैटल रॉयल रंबल में काफी सुपरस्टार दिखाई देने वाले हैं, जो कि NXT, स्मैकडाउन और रॉ से जुड़े होंगे। इसके अलावा काफी सुपरस्टार की हमें सरप्राइज एंट्री भी देखने को मिल सकती है। अभी इसमें शामिल होने वाले कुछ ही सुपरस्टार के नाम सामने आए हैं, जिसमें फर्स्ट नाम है वो है WWE के COO ट्रिपल एच का। जी हाँ, ये नाम फाइनल हो चुका है सऊदी अरेबिया में होने वाली ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के लिए। नेक्स्ट नाम जो है वो है शिंसुके नाकामुरा का। फिलहाल नाकामुरा रसलमेनिया 34 में WWE चैंपियनशिप के लिए भिड़ेंगे। देखना ये होगा कि वो टाइटल के साथ एंट्री करते हैं या बिना टाइटल के साथ। वैसे अभी तक की बात करें तो नाकामुरा ही जीतने वाले हैं रसलमेनिया 34 में। नेक्स्ट नाम है वो है 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। अब जब बात दिग्गजों की आती है तो इनका नाम तो आना नॉर्मल सी बात है। जॉन सीना WWE के काफी बड़े सुपरस्टार में से एक हैं। नेक्स्ट नाम वो है जो है करंट WWE चैंपियन AJ स्टाइल का। जी हां, AJ स्टाइल ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में दिखने वाले हैं। फिलहाल वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे नाकामुरा के खिलाफ रसलमेनिया 34 में। इसके अलावा जो नाम सामने आया है वो है बिग डॉग रोमन रेंस का। इनका नाम भी फाइनल हो चुका है इस फाइट के लिए। रोमन रेंस का मैच रसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर से है। देखना होगा कि वो चैंपियन बनके एंट्री करते हैं इस मैच में या नहीं। इसके अलावा अभी दो नाम ऐसे भी हैं जो फाइनल तो नहीं है, लेकिन इनकी उम्मीद है इस ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में शामिल होने की। जिसमें पहला नाम सामने आ रहा है वो है क्रिस जेरको का। जी हां, क्रिस जेरको वैसे तो अभी NJPW में हैं, बट वो यहां एंट्री कर सकते हैं। जेरको को NJPW में रहते हुए हमने रॉकी 25th एनिवर्सरी पे भी देखा था, तो क्रिस जेरको की ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री देखने को मिल सकती है। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है डेडमैन अंडरटेकर का। वो यहाँ हमें दिख सकते हैं। अब बात आती है कि अंडरटेकर के नाम के र्यूमर्स तो आते रहते हैं बट वही नहीं आते हैं। बट यहाँ आने के उनके चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शायद वो हमें रसलमेनिया 34 में जॉन सीना के खिलाफ मैच लड़ते नजर आए, तो इसलिए उम्मीद करी जा रही है कि वो यहाँ दिख सकते हैं। वैसे सऊदी अरेबिया में इतनी बड़ी फाइट होगी जो WWE अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी रॉयल रंबल होगी। इस वजह से इस 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में काफी चौंकाने वाले नाम एंट्री कर सकते हैं, और नाम जब कंफर्म होंगे या जिसके नाम का र्यूमर्स आएंगे तो आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।